फेडरेशन ऑफ अशोक विहार आरडब्ल्यूए की बहुप्रतीक्षित सिविक गाइड का इंतजार खत्म हुआ और यह डायरेक्टरी अब अशोक विहार के लोगों के हाथ में होगी। अशोक विहार में इस खास डायरेक्टरी का विमोचन समारोह भी बेहद खास रहा। यहाँ अशोक विहार के तमाम धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संस्थाएं तो मौजूद थी ही, साथ ही स्थानीय नेता भी मौजूद थे। डायरेक्टरी का विमोचन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में प्रसिद्ध समाज सेवी लक्ष्मी चंद मकरानी और प्रेम सागर गोयल ने किया। सबसे खास बात यह रही कि समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी लोगों का स्वागत अपने हाथों ही किया। मंच से फेडरेशन के महासचिव प्रमोद कोहली आए हुए प्रमुख लोगों का नाम लेकर बुला रहे थे। अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर काफी देर तक डॉक्टर हर्षवर्धन इस समारोह में मौजूद रहे। अशोक विहार के प्रमुख लोगों के बीच मानो केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी फेडरेशन का हिस्सा बन गए हों। इस समारोह में पूर्व और मौजूदा विधायक का स्वागत भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद ही किया, फिर चाहे वो कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के। वहीं डॉक्टर एचसी गुप्ता ने भी फेडरेशन के इतिहास के साथ साथ उसकी ऐतिहासिक उपलब्धियों का भी जिक्र किया। जितनी यहाँ पर मंदिर की, रामलीला की, गुरुद्वारों की दूसरी कमेटीज हैं, उन सब संस्थाओं की फेडरेशन का आज उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। बहुत पारिवारिक माहौल में कार्यक्रम हुआ है और ऐसी पुस्तक उन्होंने पब्लिश की है जिसके माध्यम से जो सारे इलाके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए विभिन्न डिपार्टमेंट्स के साथ किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन हो, उस कोऑर्डिनेशन के लिए क्या क्या जानकारियाँ उपलब्ध होनी चाहिए, ये सारी की सारी उन्होंने जो है इस किताब के अंदर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जो संस्था के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एचसी गुप्ता और उनकी पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है और हमने भी उनको कहा है कि जो इलाके की समस्याओं के समाधान के लिए जो उनको एमपी का जिस भी प्रकार का सहयोग चाहिए वो सारा का सारा सहयोग उनके लिए उपलब्ध रहेगा। सौभाग्य है कि हमारे मध्य में हमारे बहुत ही लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो मेरे प्रोफेशनल कलीग भी हैं, हम लोग करीब 30-35 साल से आईएमए डीएमए के अंदर साथ साथ चले हैं और इनका आभार मैं इसलिए विशेष रूप से व्यक्त करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब को आज के दिन मेरे ख्याल में तमिलनाडु में जाना था और इनके पास आज के लिए कोई समय नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी नहीं कर पाएंगे, 20-25 दिन से डायरेक्टरी हमारी गाइड बुक जो है छपी हुई है, वो हमारी गाइड बुक को हमने स्टोर करके रखी हुई है और अगले हफ्ते जो है संडे को जो है दिवाली हो जाएगी, उसके बाद डॉक्टर साहब को बीजिंग जाना था 6 तारीख को, तो इन्होंने वो अपना कार्यक्रम जो तमिलनाडु वाला था वो राजनाथ जी को फोन करके कैंसिल करा और यहाँ पर आए। मैं जोरदार तालियों से इससे पहले भी अशोक विहार फेडरेशन नागरिकों की सूचनाएं देने वाली डायरेक्टरी प्रकाशित कर समस्त अशोक विहार को जोड़ चुकी है। अब यह सिविक गाइड फेडरेशन की तरफ से दूसरा बड़ा उपहार है जो दिवाली के ठीक पहले अशोक विहार को मिला है। अब अपनी समस्याओं के लिए स्थानीय लोगों को नेताओं और दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। यह गाइड आपको पूरी जानकारी देगी कि आपको किस काम के लिए किस विभाग और कहां जाना है। यह सारी सूचना आपको मिलेगी इस गाइड बुक में। फेडरेशन के लिए यह काम आसान नहीं था, इसके लिए कई महीनों की मेहनत और 40 से ज्यादा आरटीआई दाखिल की गई। इस डायरेक्टरी के लेखक भारत सरकार में अधिकारी रहे एमपी गुप्ता ने भी अपने अनुभव साझा किए। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके दिल में आग है, जैसे हमारे माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी जिन्होंने पोलियो की मुहिम चलाई देश से निकाला, ये काम वही कर सकता है जिसके दिल में आग है। जाहिर है यह डायरेक्टरी आम लोगों के लिए एक हथियार का काम करेगी। इस विमोचन समारोह में शायद ही कोई संस्था ऐसी होगी जिसके प्रमुख प्रतिनिधि इसमें शामिल न रहे हों। अशोक विहार फेज 2 का यह हॉल इन्हीं लोगों से भरा हुआ था। समारोह में मौजूद करीब 900 लोगों को यह डायरेक्टरी बिल्कुल मुफ्त दी गई है। उम्मीद है यह डायरेक्टरी भी अशोक विहार की जीवन रेखा बन जाएगी। इस शानदार डायरेक्टरी की प्रकाशन पर अशोक विहार फेडरेशन को दिल्ली दर्पण टीवी की ओर से भी हार्दिक बधाई।